हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग माय वे। तो आज 28 अक्टूबर 2018 को यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 2018 के लिए। तो ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों मैं जस्ट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ विद सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन पेपर सीरीज़ मैंने पिक की है वो है सीरीज़ सी। सो इसमें क्वेश्चन मैं कंडक्ट गो थ्रू करूँगा। आई विल अप्रिशिएट कि आप अपने क्वेश्चन मैच कर लें, दिस विल रियली हेल्पफुल फॉर यू। और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के मैं कोशिश करूंगा आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं। देखिए, सी सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन था, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द फ्रीक्वेंसी एंड सेवरिटी ऑफ विच पर्टिकुलर थिंग आर इंक्रीजिंग। तो इन ऑप्शंस में से साइक्लोन, स्टॉर्म और हरिकेन्स में से किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी और सेवरिटी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंक्रीज हो रही है? तो देखिए, ये ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होता है जो सी लेवल राइज हो जाता है, और सी लेवल राइज होने की वजह से जो स्टॉर्म्स वगैरह हैं वो उसमें इंक्रीज आ जाता है, रेनफॉल इंक्रीज हो जाती है, और वो उसकी वजह से साइक्लोन हरिकन दोनों में ही जो फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ऑल राइट, तो ये सभी ऑप्शन सर करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, चार ऑप्शन दी गई थी, उनमें से पूछा गया था इन सीतु कन्वर्जेशन में से कौन सी नहीं है। ठीक है, स्ववासन संरक्षण रणनीति के अंदर कौन सा नहीं आता, ये पूछा गया था। तो इसमें जो बॉटनिकल गार्डन है वो इसके अंदर नहीं आता। बॉटनिकल जो गार्डन है वो बेसिकली एक्सितु कन्वर्जन का एग्जांपल है। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेक्रेड ग्रोव, ये तीनों ही इन सितु कन्जर्वेशन के अंडर आते हैं। ऑलराइट, इन सितु कन्वर्जेशन वो वहाँ पर जहाँ पर जो इनकी नेचुरल डाइवर्सिटी है उसके अंदर इनका संरक्षण किया जाता है फ्लोरा फौना का, उसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, को थर्ड क्वेश्चन सीरीज जो सी है उसमें है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन लाइट्स में होती हैं उसकी वजह से उसके जब रिएक्शंस होते हैं एटमॉस्फेयर में तो उसकी वजह से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। तो वो है O3, ओजोन बेसिकली प्रोड्यूस होती है अल्ट्रावायलेट की रेडिएशंस की रिएक्शन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था किस फील्ड में मिला था? दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है नॉर्मन बोरलॉग, तो इनको एग्रीकल्चर के लिए मिला था। बेसिकली जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के लिए, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के मतलब कहा जाए फादर, इनको कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब इसमें ये कहा गया था कि जो पार्ट पेयर है बेसिकली पेयर में से कौन सा इनकरेक्टली मैच है, नॉट पूछा गया था। ठीक है, तो ओजोन लेयर और ट्रोपोस्फेयर का जो मैच है ये गलत होगा, क्योंकि ओजोन लेयर जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में बनती है ना कि ट्रोपोस्फेयर में। ये भी काफी इजी क्वेश्चन था देखा जाए तो दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो मैच है उसमें जो इनकरेक्टली थे वो बताना था, नॉट पूछा गया था। तो सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश का जो मैच बताया था गलत है, क्योंकि सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में आता है, मध्य प्रदेश में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सेवंथ क्वेश्चन दोस्तों मैं आंसर अभी स्किप कर गया हूँ, मैं आपको नेक्स्ट थोड़ी देर में इसका आंसर देता हूँ। सेवन क्वेश्चन है कि जेवी नरलकर जो है इनके अकॉर्डिंगली इनमें से कौन सी साइंस के नॉट कंसिडर्ड एज साइंस, ये पूछा गया था। तो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली जो एस्ट्रोलॉजी है अकॉर्डिंग टू जेवी नरलकर इट नॉट द पार्ट ऑफ द साइंस। ऑलराइट, ज्योतिष विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, जो बेसिकली विल्हेम रोटिंगन है ये पूछा गया था इन्होंने किस चीज़ की इन्वेंशन की थी। तो बेसिकली इन्होंने एक्सरे मशीन की इन्वेंशन की थी। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है साइंस सेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन द सेम लाइन है दोस्तों, के जो डीएनए के अंदर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसको किसने प्रोवाइड किया था, उसको किसने बताया था कि क्या नाम डीएनए के अंदर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है? तो वो थे वाटसन एंड क्रिक। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी। ओके, और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सीरीज 7 है। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है द मैक्सिमम एनर्जी। तो बेसिकली इन जो चार ऑप्शन दी गई थी इनके अंदर से एक्सरे जो है इसके अंदर सबसे मैक्सिमम एनर्जी होती है, बिकॉज एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है सबसे कम होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मिथेन जो है वो इनमें से कौन सी ऑप्शन से एमिट होती है। तो बेसिकली जो ऑप्शन दी गई थी पैडी फील्ड, टर्मेट्री या फिर ये दोनों। तो ये दोनों की वजह से बेसिकली मिथेन एमिशन होता है ग्लोबल लेवल पे, और ये दोनों मिथेन पॉपुलेशन पॉल्यूशन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था कि कौन सा एलिमेंट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में पाया जाता है। तो बेसिकली सिलिकन जो है इन चारों ऑप्शंस के अंदर से अगर देखा जाए तो सिलिकन जो है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13 आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्विटी, फ्रेटर्निटी इन दैट ऑर्डर हैज बिन मेंशन इन द प्रीएम्बल। तो हमें ये बेसिकली ये देखना था कि कितने प्रकार के जस्टिस और लिबर्टी और इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी प्रीएम्बल के अंदर मेंशन किए गए हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर एक बेसिकली प्रीएम्बल का कंटेंट निकाला है। तो देखिए, अगर जस्टिस आप देखें तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टाइप, तीन तीन तरह के जस्टिस बताए गए हैं। और सिमिलरली अगर लिबर्टी आप देखें तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप बताए गए हैं। तो दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर देखा जाए तो लिबर्टी तीन तरह के हैं, और सॉरी जस्टिस तीन तरह के हैं और लिबर्टी पाँच तरह के हैं। तो अगर अभी दो ही देख लेते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सीधा सेलेक्ट हो जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। 2017 का जो प्रेजिडेंशियल इलेक्शन हुआ था उसमें यूपीए की तरफ से कैंडिडेट कौन थे? ये देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि दोस्तों इन्होंने एनडीए कैंडिडेट नहीं पूछा था, यूपीए कैंडिडेट पूछा था, जो कि बेसिकली जो रामनाथ कोविंद जी के अगेंस्ट में खड़े हुए थे। तो वो थे सुश्री मीरा कुमारी। राइट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मीरा कुमार ये उनके अगेंस्ट खड़ी हुई थी और जो हार गई थी, और रामनाथ कोविंद जीते थे, एनडीए के जो कैंडिडेट थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग किसको बनाया गया था? तो वो थे अरविंद पगनिया। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। नीति आयोग के ऊपर दो क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी आगे एक और क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस के बेस पे, बेसिकली लिंग्विस्टिक के बेस पे आंध्र प्रदेश पहला ऐसा स्टेट था जिसको बनाया गया था 1 अक्टूबर 1953 को। बेसिकली JVP जो कमेटी थी उन्होंने पहले लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट बाइफर्केशन के लिए मना कर दिया था, लेकिन काफ़ी सारा एग्रीटेशन हुआ था, और एक जो प्रदीप सीतारामैया जो थे उनकी मृत्यु होने के बाद कंपल्शन में आकर आंध्र प्रदेश को तेलुगु लैंग्वेज के बेसिस पे बाइफर्केट किया गया था। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी। देखिए, इन्होंने भी पूछा है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी कौन सी है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस से। बेसिकली नीति आयोग इज द राइट आंसर। UPSC, फाइनेंस कमीशन और इलेक्शन कमीशन तीनों ही एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, सिर्फ नीति आयोग ही है जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। रिकमेंडेशन ऑफ द सक्रिय कमीशन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सक्रिय कमीशन जो था बेसिकली वो किस चीज़ के लिए बनाया गया था, उसकी रिकमेंडेशन किस चीज़ पर थी, क्या टॉपिक था, ये पूछा गया है। तो बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है UPPCS में। तो मैं लगभग हर साल कमेटीज़ के ऊपर जब क्वेश्चन देखता हूँ तो इसमें सक्रिय कमीशन टॉप पे होता है। ये बेसिकली सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जो है, ऑप्शन नंबर डी, इसके लिए बनाया गया था। बेसिकली इसको स्टडी करने के लिए बनाया गया था और इसकी रिकमेंडेशन भी आई थी काफ़ी सारी अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 19th के वर्ल्ड में पहली बार कहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई थी? तो बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एवोल्यूशन जो हुआ था, फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच पर्टिकुलर कंट्री, ये पूछा गया है। तो ग्रेट ब्रिटेन, UK जो है, यहाँ पर सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि राज्यसभा या फिर कहा जाए तो काउंसिल ऑफ स्टेट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर इन रिलेशनशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो जो पहला ऑप्शन दिया गया है, इनिशिएट प्रोसीडिंग फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ये बेसिकली लोकसभा राज्यसभा दोनों ही में से कोई भी इनिशिएट कर सकता है। सिमिलरली जो प्रोसीडिंग अगेंस्ट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ये भी बेसिकली दोनों में से कोई कर सकता है। सिर्फ जो है ऑल इंडिया, कोई भी किसी भी तरह की ऑल इंडिया सर्विस का अगर चयन करना होता है या रिकमेंडेशन देना होता है उसके न्यूली क्रिएशन के लिए, वो सिर्फ पूरा ज्यूरिडिक्शन राज्यसभा के पास है। राज्यसभा की उसमें एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है एक तरीके से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं पॉलिटिकल साइंस पे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बेसिकली ये पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं। तो पार्ट टू जो है उसके अंदर सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, पूछा गया है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया है इसको लेकर अगर कोई अमेंडमेंट लाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, तो उसको कितनी मेजोरिटी चाहिए पास करने के लिए? तो बेसिकली सिंपल मेजोरिटी के से वो पास किया जा सकता है इस तरह का अमेंडमेंट, इसके लिए कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। ये पूछा गया है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ दिनों के लिए एब्सेंट रहता है विदाउट एनी परमिशन पार्लियामेंट से, अगर वो एब्सेंट रहते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज। तो बेसिकली 60 डेज की एब्सेंस अगर होती है विदाउट परमिशन तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। ऑल राइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल रिडिकुल्स कांग्रेस एज द माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल। तो ये किस, ये बेसिकली जो स्टेटमेंट है ये किस गवर्नर जनरल ने कहा था ये पूछा गया है। माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल कांग्रेस को बताया था, वो थे लॉर्ड डफरिन। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन है बेसिकली, हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। करंट अफेयर का नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली दोस्तों, व्हाट इज़ दहिंग एक्सप्रेस। तो दहिंग एक्सप्रेस बेसिकली यू नो किसको किया जाता है, तो बेसिकली दहिंग एक्सप्रेस इज द नेम ऑफ द हिमा दास। हिमा दास बेसिकली एक इंडियन स्प्रिंट रनर है, इन्होंने अभी जकार्ता इंडोनेशिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है और काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है ये, यू नो 2018 में इनका काफ़ी नाम सामने आया है और ये असम से बिलोंग करते हैं और दहिंग एक्सप्रेस इसीलिए इनको कहा जाता है, हिमा दास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन करंट अफेयर से है। सितंबर 2018 में बेसिकली मैरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट किया है किस कंपनी ने, ये पूछा गया था। तो BSL भारत संचार निगम लिमिटेड ने इन्होंने बेसिकली मैरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ओके, तो BSNL इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ये अगेन करंट अफेयर से है। अभी 3 महीने पहले ही बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर। तो ये बेसिकली किस आर्टिकल या किस सेक्शन से बिलोंग करता है, तो ये सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पेनल कोड से बिलोंग करता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 370 से बिलोंग करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारा चर्चा में रहता है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन मैंने कई बार पिछले 10 साल में कई बार देखा है। बेसिकली सुपर सोनिक मिसाइल जो है ब्रह्मोस, ये किसका जॉइंट वेंचर है, किस दो कंट्री का जॉइंट वेंचर है। बेसिकली ये इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर है और अगर आप देखें ये ब्रह्मोस जो नाम है ये भी बेसिकली दो नदियों को मिलाकर बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र से लिया गया ब्रह और मॉस्कोवा नदी से लिया गया मॉस। तो ब्रह्मोस जो नाम है वो इंडिया और रशिया को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है और मॉस्कोवा जो रिवर है वो रशिया को रिप्रेजेंट कर रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2018 में बेसिकली जुलाई में इलेक्शन जीतकर प्रेसिडेंट बने हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। तो ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए हैं बेसिकली, मैं ये बताना था, क्वेश्चन ये था और ये है मेक्सिको के। ऑलराइट, तो मेक्सिको इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगेन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। आगे देखते हैं दोस्तों, काफ़ी फेमस क्वेश्चन था, काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी अभी बेसिकली पनामा जो पेपर्स की जब लीक हुई थी उसमें कई सारे पॉलिटिशियंस के वर्ल्ड वाइड यू नो नाम आए थे। तो किस कंट्री के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी क्योंकि उनके उनका और उनके रिलेटिव्स का नाम पनामा पेपर में एज अ करप्शन लिंक्स में यू नो सामने आया था। तो बेसिकली पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उनका नाम इसमें आया था और उसके चलते उन्हें 10 साल की सज़ा दी गई थी। तो पाकिस्तान इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 करंट अफेयर से है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, एज पर द नेशनल रजिस्टर ऑफ द रजिस्टर ऑफ जुलाई 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ मोर देन 40 लाख इलीगल माइग्रेंट वर फाउंड। तो किस पर्टिकुलर स्टेट में बेसिकली यू नो 40 लाख से ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट पाए गए हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप ने यह डिक्लेरेशन दिया अभी यू नो जुलाई 2018 में। तो बेसिकली इसका सही आंसर होगा असम। और दोस्तों देखिए, ये पिछले साल बेसिकली जब ये डिक्लेयर किया गया था कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बनाई गई जाएगी तो उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी और ये असम के अंदर ही डिक्लेयर किया गया था। तो अगर आपको ये 40 लाख वगैरह का स्टैटिस्टिक्स अगर नहीं भी ध्यान है लेकिन अगर आपको ये पता है कि हाँ ये चीज़ इनिशिएट असम स्टेट के अंदर ही की गई तो भी आप कैसे गेसवर्क कर सकते हैं कि हाँ इसका आंसर असम ही होना चाहिए। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। काफ़ी आसान क्वेश्चन है अगर देखा जाए लेकिन थोड़ा सा इसमें भी ट्रिक है। बेसिकली सफ़र एक सिस्टम है, सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। तो वेदर को फोरकास्टिंग और एयर क्वालिटी को यू नो ये प्रेडिक्ट करके यू नो बताता है, साइंटिफिक सिस्टम है। जुलाई 2018 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। तो अब ये पूछा गया है कि इसको इनॉग्रेट किसने किया था, तो आंसर तो डॉक्टर हर्षवर्धन होंगे। और ये क्यों होंगे, क्योंकि जो जियोलॉजिकल साइंस का डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ जियोलॉजिकल साइंस है, अर्थ साइंस है, वो बेसिकली डॉक्टर हर्षवर्धन के अंदर ही है। ठीक है, ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ दैट। तो डेफिनेटली यही कहना उनको कहना इनॉग्रेट करेंगे। ठीक है, अगर आप इस तरह के ट्रिक्स अभी ये ध्यान रख सकते हैं तो भी आपका आंसर यू नो गेस वर्क इसमें चल जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय US जर्नल साइंस, जुलाई 2018 में ये रिपोर्ट आई थी, इन्होंने डिक्लेयर किया है कि एक मैसिव अंडरग्राउंड लेक हैज़ बीन यू नो फाउंड इन विच प्लैनेट। तो एक अंडरग्राउंड लेक का यू नो एक यू नो डिपिक्शन सामने आया है, इन्होंने डिटेक्ट किया है। तो इन्होंने डिक्लेरेशन दी है और ये होगा मार्स प्लैनेट पे। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि मार्स के अंदर बेसिकली एक अंडरग्राउंड लेक पाई जाने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 34 का काफ़ी कंट्रोवर्शियल और काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी वर्ल्ड लेवल पे डोनाल्ड ट्रंप और किंग जोंग के बीच। तो नॉर्थ कोरियन लीडर है, तानाशाह है बेसिकली कहा जाए तो किंग जोंग, और इनके बीच में मीटिंग हुई थी जून 2018 में। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और टेंशन के बाद ये मीटिंग की गई थी और ये मीटिंग हुई थी सिंगापुर के अंदर। ओके, तो सिंगापुर इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली समुद्रगुप्त के जो कंटेम्प्रेरी किंग थे उनका और उस किस उनका किंगडम जो है इसका मैच बताना था बेसिकली हमें। तो इसका जो मैच होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो उग्रसेन थे बेसिकली वो कुथलपुरा में यू नो राज करते थे, और नीला राजा जो है वो अवमुक्ता से रिलेटेड है, विष्णु गोपा जो है वो कांची से रिलेटेड है, और उग्रसेन राजा जो है पलाका से है। ठीक है, तो जो सी है वो इसका सही यू नो आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। तो ये पूछा गया था बेसिकली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की कई सारी जो साइट्स हैं उनमें से कौन सी साइट उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। चौरापशी नदी गई थी, कालीबंगा, लोथल, अलमगिरीपुर और हुलास। तो यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन डी जो होगा, अलमगिरपुर और हुलास जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर भी एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको ट्रिक आप ध्यान करते तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो सकता था। जो लोथल है ये गुजरात के अंदर एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है बेसिकली। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर लोथल बेसिकली बंदरगाह हुआ करता था। अब ये गुजरात के अंदर सिचुएटेड है, तो ए बी और सी तीनों ही ऑप्शन में सेकंड दिखा रहा है। तो जब लोथल आंसर उत्तर प्रदेश में है ही नहीं तो आपकी ए और बी सी तीनों ही कट हो जाती हैं, तो आपको ऑप्शन डी ही बचता है। तो अगर आपको सही आंसर नहीं भी पता है, इस तरह के ट्रिक्स और गेसवर्क के साथ आप अपना आंसर सही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन था ये बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन बिलोंग टू द फॉरेन ट्रेड। मैंने भी काफ़ी सर्च किया है इसके ऊपर और उसके बाद दोस्तों मैं 100% श्योर नहीं हूँ जो मुझे लग रहा है, लेकिन क्या इसका आंसर होगा नागाराम। नागाराम बेसिकली एक कम्युनिटी होती थी जो कि फॉरेन ट्रेड वगैरह करती थी मिडिवल टाइम पर। काफ़ी यू नो इस तरह के इंस्टीट्यूशन बनाए जाते थे जो फॉरेन ट्रेड वगैरह में यू नो कंट्रीब्यूट करते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। इसको दोस्तों मैं अभी स्किप करना चाहूँगा, इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको बाद में दूंगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 ये पूछा गया था कि जो किंग पुष्यमित्र सुंगा है, जो सुंग डायनेस्टी से रिलेटेड था, इन्होंने दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ये दो अश्वमेध यज्ञ जिन्होंने करवाए थे इसकी जो सूचना, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है किस इंस्क्रिप्शन में मिलती है। तो बेसिकली अयोध्या जो इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो पुष्यमित्र सुंगा थे इन्होंने दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो जो आंसर सी है, अश्वमेध यज्ञ जो इंस्क्रिप्शन है वो अयोध्या इंस्क्रिप्शन है। ऑलराइट, अयोध्या लेख। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40। बेसिकली एक टर्म दी गई थी चलका। चलका बेसिकली ये बेसिकली मिडिल वेल हिस्ट्री के टाइम पर एक टर्मोलॉजी थी, यूज़ की जाती थी। तो ये पूछा गया था कि इन चारों ऑप्शन में से क्या इसे बेस्ट मैच होगा। दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं वो बता देता हूँ कि मिडिल हिस्ट्री के टाइम पर जो चलका था बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी उसको रिप्रेजेंट करता था। ओके, और जैसे प्रोविंस होता था, प्रोविंस को डिवाइड किया जाता था सूबा के अंदर, और सूबा को ही चकला कहा जाता था। तो बेसिकली चकला इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द सूबा, और सूबा को दोबारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था प्रगना के अंदर। तो देखिए, ये प्रगना तो हो नहीं सकता है, सरकार भी नहीं मैच कर रहा है। इसमें जो ऑप्शन सी है, जो ये मेरा गेस वर्क है, मैं गलत भी हो सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी यू नो कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट्स ने कहा है कि टेरिटोरियल यूनिट बिटवीन सूबा एंड प्रगना बट नॉट आइडेंटिकल टू सरकार, इसने स्पेसिफिकली कहा है। ठीक है, तो मैं अप्रिशिएट करूंगा, आप खुद भी अपना यू नो थोड़ा रिसर्च करिए इस क्वेश्चन के आंसर के ऊपर, बट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव ये सी ऑप्शन इसका ज़्यादा सही मुझे लग रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41। काफ़ी इजी क्वेश्चन है बेसिकली। जो मराठा किंगडम था इसके अंदर एक तरह का टैक्स लिया जाता था यू नो फॉर द प्रोटेक्शन। तो किसी से जब ये टैक्स लिया जाता था तो मराठा उनको यू नो ये उनको वादा करते थे कि आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, मराठा उनको प्रोटेक्शन देंगे। तो इस टैक्स का नाम क्या था? तो बेसिकली इस टैक्स का नाम था चौथ। तो जो चौथ था टैक्स था वो बेसिकली मराठा क्लेम करते थे फॉर प्रोटेक्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक मॉस्क है बेसिकली, मस्जिद है खैरुल मंजिल। ठीक है, पुराना किला जो दिल्ली है उसके अपोजिट में है। अब क्वेश्चन ये था कि खैरुल मंजिल को किसने बनवाया था? तो बेसिकली जो जो अकबर थे, अकबर की जो गवर्नर्स थी महामंगा, उन्होंने इसको बनवाया था। यही मतलब मॉस्क में अकबर वगैरह पढ़ाया करती थी और इन्होंने यहाँ पे तालीम देने का यू नो शुरू किया था। तो खैरुल मंजिल के जो बनवाया था महामंगा ने बनवाया था।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43। तो बेसिकली कुछ जगह का नाम दिया गया था और यहाँ पे पूछा गया है कि जो रिवोल्ट हुए थे वो किसके लीडरशिप के अंडर हुए थे। दोस्तों मेरे पर्सपेक्टिव से यहाँ पर आपसे डी आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि जो 1857 का जो विद्रोह था उसके अंदर लियाकत अली जो थे वो बेसिकली अलाहाबाद में जो रिवोल्ट हुआ था उसको लीड कर रहे थे, ना कि लखनऊ में। लखनऊ के अंदर बेसिकली जो थे वो बेगम हज़रत महल वगैरह के अंडर था, ठीक है। तो लियाकत अली जो है इसका जो मैच है लखनऊ के साथ ये गलत है, बाकी जो मैच है ये सारे सही मैच हैं। संबलपुर के अंदर जो रिवोल्ट हुआ था वो सुरेंद्र साई के अंडर हुआ था, गंजाम में राधा कृष्ण देवसाना के अंदर हुआ था, और कश्मीर के अंदर गुलाब सिंह के अंडर लीडरशिप के अंडर रिवोल्ट हुआ था। ओके, तो इसका आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है, फिर भी मैं अपना यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो मैंने ए सेलेक्ट किया ये गलत है, बेसिकली मुझे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करना चाहिए था, मदुरई विंड पाया वीर पांड्या। बेसिकली वरंगल हेमचंद्र देव के अंडर था, ये बिल्कुल फैक्ट है, और होलसेल भी वीर भल्लाल के अंदर था। देवगिरी जो है वो भी यू नो उन पर भी रूल किया था शंकर देव ने बेसिकली, लेकिन वीर थोड़ा हिस्टोरिकल कन्फ्यूजन मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि वीर पांड्या ने भी एक वक्त के बाद मदुरई पे किया था, हालांकि ये जो पांड्या किंगडम था उन्होंने इसको अटैक करके कब्जा किया था, लेकिन फिर भी पूरी तरह इसमें मुझे यू नो मैच गलत मैं नहीं कहूँगा, इसलिए थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप खुद भी रिसर्च करें इस पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बेसिकली यहाँ पे जो औरंगज़ेब के बाद जितने भी मुग़ल रूलर हुए थे उनकी बेसिकली चार ऑप्शन दी गई है, और ये बताना था कि करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो अगर सीक्वेंस देखा जाए तो बेसिकली बहादुर शाह जफर वन के बाद जहांदार शाह राजा बने थे, तो ये सेकंड नंबर पे थे उस सीरीज़ में अगर देखें, और उसके बाद मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, और अहमद शाह के बाद में आलमगीर टू आए थे बेसिकली। इसमें और भी कई राजा थे जो बीच में आए थे, लेकिन अगर इन चारों की बात की जाए तो सीक्वेंस यही होगा, ऑप्शन जो बी है इसका वो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 45 का। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज इज बेस्ड ऑन, देखिए बेसिकली एक यू नो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, बेसिक उन्होंने ये यू नो कंसेप्ट दिया था ग्लोबल विलेज का, और उनकी जो थ्योरी थी वो जो उनका कंसेप्ट था वो ये था कि बेसिकली जो पूरा वर्ल्ड है जो ग्लोब है वो एक तरीके से एक छोटा सा विलेज बनता जा रहा है ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। आज की डेट में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि इंस्टेंटली कम्युनिकेशन होता है कि वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, और ट्रांसपोर्ट कमीशन इतना स्ट्रांग हो चुका है कि पूरा वर्ल्ड एक तरह का ग्लोबल विलेज बन चुका है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो कंसेप्ट जो है इसके पीछे ग्लोबल विलेज के लिए। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत आसान क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर किस स्टेट की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन होती है। तो सबसे ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन जो इंडिया के अंदर है वो गुजरात स्टेट की है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश स्टेट की है। तो गुजरात इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 47। आगे दोस्तों देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर उत्तर प्रदेश हैज बीन डिक्लेयर एज अ बायोलॉजिकल डिजास्टर ड्यू टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इन चारों रिवर्स के अंदर से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से बायोलॉजिकल डिजास्टर का जो एक नेम टैग जोड़ा जा रहा है वो यमुना रिवर के साथ जोड़ा जा रहा है, तो यमुना शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द वर्ल्ड फेमस लॉर्ड टेम्पल लॉर्ड वेंकटेश्वर तिरुपति इज लोकेटेड इन। दोस्तों देखिए काफ़ी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ इन द सेंस थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन जो जिस बेस पर मैंने आंसर दिया है मैं वो आपको शेयर कर सकता हूँ। देखिए शिवराय जवादी और बिली गिरी रंगा ये तीनों ही हिल जो हैं ये तमिलनाडु में आते हैं, ठीक है, और जो लॉर्ड वेंकटेश्वर तिरुपति है बेसिकली ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, और जो हिल है बेसिकली जो जिसके अंदर ये लोकेटेड है उसे तिरुमला हिल कहते हैं, शशिचलम हिल के अंदर तिरुमला हिल आता है जहाँ पर ये यू नो तिरुपति है। तो एग्जैक्ट मैच मुझे नहीं लग रहा था, बट काफ़ी क्लोजर मैच मुझे माला लग रहा है, लेकिन मैं अप्रिशिएट करूँगा आप भी अपनी रिसर्च करिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी इसका सही आंसर होना चाहिए, बट आई एम नॉट 100% श्योर ऑन दिस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया था जो राजस्थान के अंदर जो डेजर्ट है थार का डेजर्ट बेसिकली इसका एक्सपेंशन अगर कहा जाए तो किस जियोलॉजिकल पीरियड में हुआ था। तो बेसिकली प्लेस्टोसीन जो पीरियड है इसके दौरान ये बेसिकली जो एलोवियल यू नो डिपॉजिट्स हुए थे रेत के, इसकी वजह से ये एक्सपेंशन हुआ था थार डेजर्ट का। तो प्लेस्टोसीन एंड द रिसेंट डिपॉजिट सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए ये वीडियो मैंने इसमें अभी 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, मैं बाकी सभी क्वेश्चंस पे प्रॉपरली ठीक से देखकर आपको आंसर आगे एक और वीडियो बनाऊंगा।
आई विल अप्रिशिएट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आप उसको देख के नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैं बाकी सारे क्वेश्चन कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।